नहीं, हम क्यों नहीं बदलते, क्योंकि वो दुनिया को जानता है। इस देश में आज सबसे बड़ी पॉजिटिव मैं चीज देख रहा हूं वो ये है कि सामान्य मानवी, इसका दूसरा शब्द ही एस्पिरेशन है। हर इंडियन मतलब एस्पिरेशन, ये किसी भी देश की गति का बहुत बड़ा फोर्स होता है, चालक बल होता है, जो मैं देख रहा हूं। और वो सारे निर्णय अपने एस्पिरेशंस को ध्यान में रख के करता है। ये चुनाव वो ये सोचता है कि मेरे एस्पिरेशंस के अनुकूल मुझे क्या मिले क्या नहीं मिले, और मेरा देश ऐसा होगा तो मुझे, मैं इसे निकालूंगा। इस बात पर केंद्रित हुआ है। दूसरा, इस देश के महिला वर्ग, उन्हें लगा है कि हम एक समाज का एक हिस्सा इतना ही नहीं है, हम समाज में बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं है, हम कुछ कर सकते हैं। उनके भीतर भी कुछ करना, जो करते हैं उससे अतिरिक्त करना, जो परंपरागत है उससे बाहर जाके करना, इस जज्बा पैदा हुआ है। तो मेरे 30-35 से कम आयु वालों का एस्पिरेशन और देश की 50% मातृशक्ति का इस जज्बा, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हजार साल की नींव रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसलिए मैं कहता हूं ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है, पूरे चुनाव की ओनरशिप देश की जनता की है। कौन नेता क्या बोलता है, क्यों बोलता है, इसका कोई महत्व मैं नहीं देख रहा हूं जी, क्योंकि जनता मन बना चुकी है। आप छोटे छोटे बच्चों के मैं इंटरव्यू टीवी पे सोशल मीडिया पे देखता हूं, वो कहते हैं ये होने वाला है, ये होने वाला है। इसका मतलब कि सब कुछ ड्रिवन बाय सोसाइटी है, समाज के द्वारा। और इसलिए मुझे विश्वास है कि इस बार मजबूत सरकार, स्थिर सरकार, 400 पार वाली सरकार, निर्णायक सरकार, भविष्य की तरफ जाने वाली सरकार, ये मैं देख रहा हूं। मोदी जी, मैं जब आप बात करते हैं 400 पार का, और कि बीजेपी 370 के पार जाएगी, एनडीए 400 के पार जाएगा, तो इसमें थोड़ा मैं अगर स्पेसिफिक्स में आपको लेके जाऊं, कई स्टेट्स ऐसे हैं, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, इसमें बीजेपी एक तरह से सैचुरेट पिछले इलेक्शन में कर गई, तकरीबन पूरा स्वीप हुआ। तो ये जो गेम्स हैं जो 300